हेलो एंड वेलकम बैक टू अनकट डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनकट डिजिटल पॉइंट है। बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो मुझे बोलते हैं कि भाई हमें अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, हमें स्कूल फीस देनी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, हमें यानी बिल पेमेंट करने के लिए काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें पैसे की जरूरत है। अगर आपको पता चल जाए एक ऐसी पेलेटर ऐप के बारे में जहां पर आप ये सभी काम कर सके, लोन लेने की जरूरत ना पड़े, जो लिमिट आपको वहां पर मिले उसी लिमिट को यूज करके आप जो है अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, अपना लैंडलाइन का बिल, अपना जो फाइबर का बिल, जो भी है आपके बिल, वो सब आप वहां पर पे कर सके अपनी क्रेडिट लाइन को यूज करके, तो कैसे रहेगा गाइस। और हाँ, अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है ना तो आप अपने सारे पैसे अपने अकाउंट के अंदर निकाल सकते हैं केवल 30 सेकंड के अंदर। इतना ही नहीं, आप बाजार गए हैं, पैसे नहीं है आपके पास, क्रेडिट कार्ड नहीं है, अपना पर्स घर पे भूल गए हैं, लेकिन आपके पास ये वाली फाइनेंस कंपनी है जहां पर आपको एक क्रेडिट लाइन मिली हुई है, आप उसको यूज करके वहां पर रखे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जानना चाहते हैं इसी फाइनेंस कंपनी के बारे में तो यार वीडियो की बिल्कुल मत करना, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, थोड़ा सपोर्ट करो अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहता हूं। अभी आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है या फिर एप्पल स्टोर में आप चले जाइए। यहां पर जाने के बाद आपको सर्च करना है फ्लेक्स पे पर्सनल लोन ऐप। इसके बारे में शायद आपको पता होगा और हो सकता है आपको नहीं पता होगा, अगर पता है तो ठीक है आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर पहले वीडियो बना रखी है। अभी यहाँ पर एक नई अपडेट आई है, नई सर्विस लॉन्च यहाँ पर हुई है हाल ही में, तो मुझे इसलिए इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि गाइस बिल पेमेंट से रिलेटेड सर्विस अभी यहाँ पर हाल ही में लॉन्च हुई है, तो ये सर्विस बहुत जबरदस्त वाली लगी मुझे, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ में। तो फिलहाल तो आपको एक बार एप्लीकेशन को अपडेट करना है गाइस, अगर आपकी एप्लीकेशन अपडेट मांग रही है और आपके पास पहले से क्रेडिट लाइन मिली हुई है आपको फ्लैक्स पे के अंदर, तो आप इसको जो है एक बार अपडेट कर लेना, क्योंकि अपडेटेड एप्लीकेशन के अंदर ही आपको सर्विस मिलने वाली है। और लाइव प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर मैं कई बार लोन लेकर भी दिखाया, देखिए गाइस मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। 2 लाख रुपये तक की लिमिट आपको दे सकता है यहाँ पर फ्लैक्स पे, और क्विक अप्रूव मिलता है, 100% डिजिटल प्रोसेस होता है, हिडन चार्जेस यहाँ पर कुछ नहीं लगते हैं, और इन पैसों को जो भी आपको मिलेंगे यहाँ पर 30 सेकंड के अंदर अपने अकाउंट के अंदर आप ले सकते हैं, 0 पेनल चार्जेस, 0 कंपाउंड इंटरेस्ट, प्री पेमेंट पेनल्टी कुछ नहीं लगती है आपको यहाँ पर, ठीक है। और सबसे जो मजे की बात है गाइज वो पता है क्या, यहाँ पर अगर आपको जरूरत है यहाँ पर पैसों की और आपको लिमिट मिली यहाँ पर 50,000 रुपये की, 20,000 की जरूरत है, 20,000 निकाल लीजिए, 20,000 पर आपको डेली इंटरेस्ट देना होगा, 20,000 पर डेली इंटरेस्ट लगेगा आपका 20-30-50 रुपये, और आपको मान लो वापस करने हैं पैसे 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में, तो 4 दिन बाद वापस कर दो, 4 दिन के ही पैसे लेंगे, नहीं तो दूसरी कंपनी में क्या होता है भाई, एक बार आपने पैसे ले लिए, एक साथ ही जुड़ गया, पूरा 1 महीने बाद वापस करने हैं, सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे, चाहे बीच में दो चाहे लास्ट में दो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओपन करनी है आपको, अगर आप एक नए कस्टमर है तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा और आपको यहाँ पर पे लेटर के लिए अप्लाई करना होगा, मेरे तो ऑलरेडी यहाँ पर मुझे मिली हुई है लिमिट, मैं आपको दिखा देता हूँ। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली, बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी, बैंक की नेट बैंकिंग भी आपको करनी पड़ सकती है अपनी इनकम को वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर मुझे लिमिट मिली हुई है गाइस 39,916 रुपये की, इन पैसों को मैं केवल 30 सेकंड के अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर निकाल सकता हूँ। ये बोल लेगी भाई ईमेल अनवेरीफाइड, आपका ईमेल वेरीफाई नहीं है, चलिए मैं कर लूंगा उसको बाद में। और यहाँ पर आपको जो लिमिट मिलती है गाइस, मैं आपको बोला था कि आप बाजार गए हैं, पैसे नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप यहां पर जो आपको क्रेडिट लाइन मिली हुई है ये वाली क्रेडिट लाइन, इसको यूज करके आप वहां पर रखे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आपको QR कोड पर क्लिक करना है और वहां पर QR कोड को स्कैन करना है, पेमेंट कर देना है, बस बहुत ही सिंपल स्टेप है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। जैसे कि देखिए QR कोड मेरा यहां पर, मैंने इसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद गाइस जो QR कोड की डिटेल है वहां पर आ जाएगी, जिस मर्चेंट पे आप जो है पेमेंट करेंगे, यहां पर आपको वो अमाउंट डालनी है जो आप निकालना चाहते हैं। जैसे कि मैं अगर यहां पर 50 रुपये करूं, 50 मैंने कर दिया, मर्चेंट के आपने यहां पर प्रोसीड टू पे क्लिक किया, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कितनी फास्ट यहां पर सर्विस आपको मिलती है। अभी एक OTP आएगी, OTP आपको यहां पर डालनी होगी, OTP आएगी मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है भाई मेरे पास तो 84848 मेरे पास आ चुकी है OTP, 84848 प्रोसीड टू पे पे मैंने क्लिक किया, और जैसे प्रोसीड टू पे पे मैं क्लिक करूंगा मेरा जो पेमेंट है गाइस सक्सेसफुली हो जाएगा केवल 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर। जी हाँ गाइस, इतनी फास्ट सर्विस आपको नहीं मिलने वाली है। तो देखिए गाइस हमारा पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली, 50 रुपये का पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। हम चलते हैं होम पर, होम पर जाने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए हमारे 50 रुपये माइनस हो गए होंगे, और यहाँ पर रीपे ड्यूज में जाएंगे आप तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, तो मैंने 50 का पेमेंट किया यहाँ पर, और अभी तो यहाँ पर नहीं आया,
चलिए वापस आते हैं। अब बताते हैं आपको उस सर्विस के बारे में जो हाल ही में लॉन्च हुई है। वो सर्विस है गाइज यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पेमेंट की। ये पहले नहीं थी, अभी आई है यहाँ पर, ठीक है। तो रिचार्ज एंड बिल पेमेंट पे आपको क्लिक करना है अगर आपको जरूरत है पैसों की अपने घर के बिल पेमेंट करने के लिए, चाहे वो कोई भी बिल हो। देखिए यहाँ पर ब्रॉडबैंड, पोस्टपेड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एलपीजी, वाटर सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइज नीचे अगर आप देखेंगे अदर्स में केबल, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, लैंडलाइन, प्रीपेड, फलाना डेम का सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद रिचार्ज कर सकते हैं आप, डीटीएच, फास्टैग, मोबाइल, पोस्टपेड सब आपको यहाँ पर मिलेगा। आपको करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, 10,000 का आ रहा है, 5,000 का आ रहा है, बहुत के तो भाई घर के बिल कट जाते हैं, पैसे नहीं होते उनके पास, तो क्या करें आप, इलेक्ट्रिसिटी में जाएं, यहाँ पर अपना प्रोवाइडर चूज करें, मैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर क्या पीवीवी यानी ले भाई साहब हमारा पीवीवी सीसीजी, ये रहा हमारा पीवीवी, आपका प्रोवाइडर आपके सामने आ जाएगा। हमारा है भाई साहब पीवीएनएल। अब आपको यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है, 0590 46 4000, ये है मेरा इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट नंबर। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर क्या होगा, आपका जितने रुपए का भी बिल होगा आपके सामने आ जाएगा। मेरा 3,332 रुपए का आ चुका है, मैं यहाँ पर डालता हूँ 3,332 रुपए, और मैंने यहाँ पर किया प्रोसीड पे क्लिक। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करना है, अब यहाँ पर अगर कुछ एरर होगा, देखिए मैं भी आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ ही अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। मैंने किया प्रोसीड पे क्लिक, अच्छा अच्छा मैंने मैनुअली पैसे नहीं डालने हैं, बस आपको प्रोसीड करना है, ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा गाइस, मुझे भी नहीं पता भाई साहब, मैं आपको लाइव, हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रांजेक्शन फीस है भाई साहब 30 रुपये, और भाई यहाँ पर 3,200, अभी मेरे 3,362 रुपये हो चुके हैं। अभी यहाँ पर ओटीपी डालनी होगी जो मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगी। आपको मैंने लाइव प्रूफ के साथ पैसे भी अप्लाई करके दिखाएंगे गाइस, 43,496 यहाँ पर मेरे ओटीपी आ चुके हैं, 43,496 कंफर्म पेमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने क्या कंफर्म पेमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पर पेमेंट हमारा सक्सेसफुली 3,362 रुपए का आप देख सकते हैं गाइज स्क्रीन पर। ये देखो गाइज यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो चुका, ट्रांजेक्शन फीस लगी 30 रुपए, 3,362 रुपए का बिल हमने यहाँ पर पे कर दिया है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ गाइज, हमने अपना बिल पेमेंट कर दिया है। इस तरीके से आप फ्लेक्स पे के अंदर आपको अगर कोई लिमिट, भाई साहब यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा है भाई, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, मुझे लग रहा है भैया ऐसा ही, ये पूरी पिक्चर बेकार ना हो जाए भाई। भाई मैं फोटो खींच के आपको दिखा रहा हूँ एक बार, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है शायद इसके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं होम पेज पर, और होम पेज पर मैं आ चुका हूँ। अगर पूरी एप्लीकेशन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही ना भाई साहब, बेकार हो जाएगा सारा काम। ओफो ये गलत हो गया भाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है भाई साहब एप्लीकेशन की, ये गलत हो गया यार। चलिए मैं आपको कुछ ना कुछ दिखाऊंगा, दूसरी उसमें बना के दिखा दूंगा, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही हालांकि यहाँ पर, मैं आपको अलग से दिखा दूंगा ऊपर, ठीक है। तो फाइनली गाइज मैंने यहाँ पर अपना बिल पेमेंट भी कर दिया है और जो है सक्सेसफुली हो भी गया है। इस तरीके से आप ले सकते हैं फ्लेक्स पे के अंदर क्रेडिट लाइन, अपने अकाउंट के अंदर उसको निकाल सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर पैसे, और भाई आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चाहे मिलते हैं कल गाइस एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।